नमस्कार दोस्तों, दुनिया की इकोनॉमी का हाल बहुत बेकार है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है और लोग पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी हर तरफ आईफोन्स ही दिखाई देते हैं। क्या यह आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? जब सब लोग बजट की इतनी चिंता कर रहे हैं तो इतना महंगा फोन क्यों खरीदना? शॉकिंग बात तो यह है कि यह ट्रेंड सिर्फ रिच कंट्रीज के रिच लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे इंडिया में भी मिडिल क्लास लोग भी इन आईफोन्स को लेने के लिए लाइंस में लगते हैं। सो क्या ये एप्पल का कोई मैजिक है या कुछ और? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आईफोन्स की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो तो यह विचार अपने मन से निकाल दें, क्योंकि यह कोई एप्पल की एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि एप्पल वालों के इतने भी बुरे दिन नहीं चल रहे हैं कि उनको मुझसे एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़े। खैर छोड़ो, मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो आपने शायद पहले कभी नहीं सोचे होंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस कर पाए। तो सबसे पहला रीजन है ग्लोबली राइजिंग इनकम्स। हर साल लगभग 50 मिलियन लोग हाई इनकम कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब हर साल इतने सारे लोग ऐसे बनते हैं जो लग्जरी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, और एप्पल भी इन्हीं लोगों को अपना टारगेट बनाती है, क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो लग्जरी मार्केट को टारगेट करती है, जिससे इसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। एक आईफोन खरीदना सिर्फ एक सिंपल फोन खरीदने जैसा नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है, एक साइन है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। साइकोलॉजिकल रिसर्च भी यह प्रूफ करती है कि लोग अपनी आइडेंटिटी और स्टेटस को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे एक्सपेंसिव चीजें प्रेफर करते हैं, और इस इमोशन को लोग कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सोचो, जब आप एक आईफोन निकालते हो और लोग आपकी तरफ इम्प्रेस्ड नजर से देखते हैं, इट्स गिव यू अ डिफरेंट सेंस ऑफ प्राइड, राइट, है ना? लेकिन एक सेकंड रुकिए, सभी आईफोन्स वालों को इतना उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हमारे में से ही हैं जो किश्तों में आईफोन्स लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास भी आईफोन है, हालांकि उनकी औकात आईफोन वाली बिल्कुल नहीं होती है, और कुछ अपने अपने मम्मी पापा से जिद करके आईफोन लेते हैं, और इसी के साथ कुछ लोग बस अपना एक फेक स्टेटस दिखाने के लिए सेकंड हैंड आईफोन्स लेते हैं। तो अगर आप लोग भी इन्हीं कैटेगरी में से हो तो डार्लिंग्स, आप लोगों को तो बिल्कुल प्राउड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है, तो प्लीज मेहनत करो और अमीर बनो। इतना अमीर बनो कि अपने दोस्तों को भी आईफोन गिफ्ट कर सको, और गाइस, जब आप लोग अमीर बन जाओ तो अपने इस प्यारे दोस्त को भी आईफोन गिफ्ट कर देना, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही बहुत गरीब हूँ, मेरे पास भी कोई आईफोन नहीं है। तो चलो, जोक्स को साइड में रखते हैं और बात करते हैं इसकी हाई प्राइवेसी के बारे में, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसी हाई प्राइवेसी आपके फोन में होना बहुत जरूरी है, वैसे ही आपकी डिजिटल दुनिया में भी ऑनलाइन प्राइवेसी को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, जिसमें इंटरफेयर करने के लिए दुनिया भर के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, और इसको सिक्योर करना आपकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है, मिलिए वन ब्राउजर से, जो आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन है। आप यहाँ पर सिक्योरली सीमलेसली ब्राउजिंग कर सकते हैं। वन ब्राउजर आपके डिजिटल वर्ल्ड के लिए नई संभावनाएं खोल देता है, क्योंकि वन ब्राउजर इज द मस्ट हैव टूल ऑफ 2024। बिल्ड इन वीपीएन के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने में कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। आपको वीपीएन अलग से इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक्डइन, फेसबुक, अमेज़न, आप वन ब्राउजर की हेल्प से किसी भी साइट पर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं और उन्हें एक ही जगह से मैनेज भी कर सकते हैं। आपको अकाउंट सस्पेंशन या फिर वेरिफिकेशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम कीजिए और बाकी का काम तो वन ब्राउजर संभाल ही लेगा। इसके अलावा आप अपने कॉलिग्स के साथ बिना पासवर्ड शेयर किए या बिना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कोई भी अकाउंट्स शेयर कर सकते हैं।
वन ब्राउजर के साथ ये आसान और पूरी तरह से सिक्योर है। फिर चाहे आप सफर में हो या फिर डिवाइस बदल रहे हो, वन ब्राउजर आपके डाटा को हमेशा सिंक्ड और सिक्योर रखता है। एक नई और बेहतर डिजिटल दुनिया की खोज करें वन ब्राउजर के साथ। सीरियसली, ये आपका टाइम भी सेव करेगा और आपके अकाउंट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो डोंट मिस आउट, वन ब्राउजर इज द मस्ट हैव टूल ऑफ 2024। अभी ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सेकंड रीजन के बारे में। एप्पल की सेकंड स्ट्रेटजी है एक्सक्लूसिविटी। आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया का हर दूसरा स्मार्टफोन ब्रांड के हर प्राइस पॉइंट को कवर करना चाहता है, लो एंड, मीडियम रेंज और हाई एंड, जैसे सैमसंग, शाओमी या रियलमी। हर बजट के लिए एक फोन मिलता है, लेकिन एप्पल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एप्पल ने अपना फोकस सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी पे ही रखा है। उनका चीपेस्ट आईफोन भी लगभग $400 से स्टार्ट होता है, और यह इंटेंशनल है क्योंकि एप्पल क्रिएट्स अ डिजायर, एक स्कार्सिटी की फीलिंग। व्हेन यू मेक समथिंग फील रेयर, इट बिकम्स एस्पिरेशनल। पर यार, मेरे को तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है। मेरे को तो बस लगता है कि कोई फ्री में आकर मुझे आईफोन दे जाए। अब आप इमेजिन कर लो कि आईफोन्स अगर स्ट्रीट का चार्ट होता तो हर कोई इसे खाता, पर जब वो एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट की एक 5-स्टार डिश बन जाए तो अलग ही बात होती, राइट? पर फिर भी जब एप्पल इतना प्राइसी होने के बाद भी इतना पॉपुलर है, तो क्या और फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं? लेट्स एक्सप्लोर इट। तो अगली चीज है एप्पल की अनमैच्ड ब्रांड लॉयल्टी। रिसर्च कहती है कि एप्पल यूजर्स का रिपीट रेट बहुत हाई है। एक बार जब लोग एप्पल इकोसिस्टम में घुस जाते हैं और उसके बाद बहुत मुश्किल है उससे बाहर निकलना। पर ऐसा क्यों है? क्या आपको याद है जब आपने अपना पहला आईफोन या मैक लिया था? वो सीमलेसली यूजर एक्सपीरियंस, वो हाई क्वालिटी बिल्ड और वो परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर, इट हुक्स यू इन। एक बार एप्पल की स्मूथनेस फील कर लो तो सब कुछ आउटडेटेड लगता है। आईफोन वाले सोच रहे होते हैं कि उनके फोन का नेक्स्ट अपडेट कब आएगा, और वहीं हम जैसे एंड्रॉइड वाले सोच रहे होते हैं कि उनके फोन का अगला रिपेयर कब आएगा। और वैसे भी हम एंड्रॉइड यूजर्स का तो अपना ही स्वैग है, उनका फोन चलते चलते भला ही लैग हो जाए, पर एटीट्यूड में कभी लैग नहीं होता। जैसे आप मुझे ही देख लो, खुद के पास एंड्रॉइड और ज्ञान मैं एप्पल का दे रही हूँ। और आपको पता है, एप्पल ने ब्रांड लॉयल्टी सिर्फ फीचर्स से नहीं बनाई, उन्होंने एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक भी यूज की है। हो सकता है आप भी उसी ट्रिक के विक्टिम हो। अब बात करते हैं उसी साइकोलॉजिकल ट्रिक की, जो है नेटवर्क इफेक्ट। एप्पल प्रोडक्ट्स जितने ज्यादा लोग यूज करते हैं, उनका वैल्यू उतना ही बढ़ता है। जैसे आई मैसेज का एग्जांपल ले लो, जब आपका दोस्तों का ग्रुप सब आईफोन यूजर्स का होता है तो आप आई मैसेज और फेसटाइम जैसे फीचर्स को एंजॉय करते हो। फास्ट मैसेजिंग, ब्लू बबल्स एंड हाई क्वालिटी वीडियो कॉल्स, यह सब एप्पल डिवाइसेस के बीच स्मूथ है। और जब एक दोस्त आईफोन से स्विच करता है तो उस ग्रुप चैट का एक्सपीरियंस पूरा खराब हो जाता है। द ग्रीन बबल्स फील ऑलमोस्ट लाइक अ क्राइम, राइट? अब ग्रीन बबल वाले दोस्त तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई पार्टी में बिना इनवाइट आ गया हो, बिल्कुल भी वाइब्स मैच नहीं होती हैं। अब जैसे मेरी मेरे दोस्तों के साथ नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही। यही एक रीजन है कि आप एक बार एप्पल यूजर बन जाते हो तो पूरा नेटवर्क आपको वापस एंड्रॉइड पे जाने नहीं देता। लेकिन एप्पल का रियल पावर गेम तो उसके इकोसिस्टम में है, जहां गैजेट्स मिलके एक मैजिक क्रिएट करते हैं। क्यूरियस, राइट? एप्पल इकोसिस्टम की बात करें तो यह पूरा इकोसिस्टम एक ट्रैप की तरह है। आप एक आईफोन लेते हो और फिर आपको लगता है कि आईपॉड्स भी चाहिए, फिर मैकबुक भी चाहिए, और सडनली सब कुछ सिंक होने लगता है। और यह एक सीमलेस एक्सपीरियंस है, जहां आप एयरड्रॉप से फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हो, एप्पल वॉच से अपने हेल्थ ट्रैक कर सकते हो, और जहां एयरपोर्ट्स अपने डिवाइसेस से ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं। एक बार जब आपका पूरा इकोसिस्टम सेट हो जाता है, आपको लगता है कि इस कंफर्ट जोन से निकलना तो बिल्कुल बेकार है, और इसी कंफर्ट को एप्पल इंटेंशनली ही क्रिएट करता है। पर अभी भी एक छुपा हुआ रीजन है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है, क्या आप सुनना चाहोगे? तो सुनिए, हवाई के डाउनफॉल की वजह से एप्पल का राइज हुआ। एक टाइम पे हवाई दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन कंपनी थी,
लेकिन यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स और बैंस ने उनका सब कुछ पलट दिया। ग्लोबल मार्केट में हवाई की कमी से एप्पल ने ज्यादा मार्केट शेयर ले लिया और इसी के साथ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया और ब्राजील में भी एप्पल ने एग्रेसिवली मार्केटिंग की। हवाई के कंपटीशन के हट जाने के बाद एप्पल के लिए ग्रोथ बहुत इजी हो गई। तो कह सकते हैं कि कभी कभी कंपटीटर्स का गिरना भी अपने बिजनेस को टॉप पे ले आने का एक तरीका है। अभी एप्पल का टाइम है और वो इस ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर रहा है। अगर आपने यह सब पॉइंट्स ध्यान से सुने हो तो आप समझ गए होंगे कि एप्पल सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल, अ स्टेटस एंड अ स्मार्टली बिल्ट साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम। अब जब अगले साल एक नया आईफोन लॉन्च होगा और लाइन लगेगी, आपको पता होगा कि लोगों को अट्रैक्ट करने का साइंस कितना सॉलिड है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।